पुलिस परेड ग्राउंड पर आज ठीक सुबह 9 बजे मुख्य अतिथि के आगमन के साथ ही तिरंगा झंडा फहराया गया। 75वीं आज़ादी के वर्ष में सभी ने उत्साह से भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग शामिल हुए। उन्होंने परेड की सलामी लेने के साथ मार्च पास्ट देखा और फायर के साथ स्कूली विद्यार्थियों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के दौरान शहर के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, स्कूल विद्यार्थी, अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों और आमजन का सम्मान भी किया गया। विदिशा जिला ब्यूरो, मुकेश चतुर्वेदी। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का आगमन मंच पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने भी उनके बच्चों का अभिवादन करते हुए वीर पद पर अग्रसर है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन इसके लिए भी पूरे प्रबंध सरकार ने किए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी पात्र परिवारों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना के माध्यम से जनजातीय बहुल क्षेत्रों में राशन गांव-गांव तक परिवहन करके पहुंचाया जा रहा है। सरकार ने मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना लागू करने का निर्णय लिया। इस योजना के अंतर्गत गोदामों से राशन की दुकान तक खाद्यान्न के परिवहन के लिए स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। वाहन क्रय हेतु मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर पीने का पानी, शुद्ध जल पहुंच सके, इसके लिए ग्रामीण समय सीमा में लाभ मिले, इसके लिए सरकार वंचित आवासहीनों के लिए नई मुख्यमंत्री जन आवास योजना लागू करने जा रही है। धन के अभाव में कोई गरीब इलाज से वंचित ना रहे, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अब तक 2,80,00,000 से अधिक कार्ड बनाकर मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। क्षेत्र शेष पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने का काम विशेष अभियान चलाकर पूर्ण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना गरीबों के लिए आशा की किरण बनकर आई है। अब राज्य सरकार ने संबल 2 को भी लागू कर दिया है, जिसके अंतर्गत ऐसे 75,00,000 हितग्राही जो पूर्व में अपात्र घोषित कर लिए गए थे, वो नए सिरे से पंजीयन के लिए आवेदन कर सकेंगे, पात्र पाए जाने पर योजना का लाभ ले सकेंगे। तेंदुपत्ता संग्राहकों को संबल योजना से शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एवं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का क्रियान्वयन पुनः प्रारंभ कर दिया गया। कामनाएं, आज हमने झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया। हम स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान अभूतपूर्व रूप से पूरे देश में सफल रहा है। हम सब ने अपने अपने घरों में, अपने मोहल्ले, अपने कॉलोनियों में तिरंगा लगाकर हमारे उन क्रांतिकारियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया। आइए हम सब संकल्प लें कि इस देश की आज़ादी को तो हम चिरस्थाई रखेंगे ही, उसके साथ ही इस देश के सर्वांगीण विकास के लिए, लोगों के कल्याण के लिए और इस देश की एकता अखंडता को कायम रखते हुए इस देश को विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के महायज्ञ में अपनी भी सार्थक आहुति देंगे। मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।